हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। डेब्यू फिल्म रही थी सुपर फ्लॉप, लेकिन फिर पलटी किस्मत और बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार। आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह सिनेमा की टॉप हीरोइन बनी और कई हिट फिल्में भी दी। सिनेमा की दुनिया में बहुत से कलाकार अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। कुछ तो आते ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी वे स्टारडम नहीं मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलेब्स भी हैं जिनका डेब्यू भले ही फ्लॉप रहा हो, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी फिल्म दी कि बॉक्स ऑफिस हिल गया था। आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका डेब्यू फ्लॉप रहा और बैक टू बैक 8 फिल्में भी फ्लॉप हुई, लेकिन फिर ऐसी वापसी की कि रातों रात स्टार बन गई और उनको देखकर कई लोगों के दिलों में धक धक हुई। यहां हम आपको जिस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है माधुरी दीक्षित। माधुरी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और दमदार रोल से खूब वाहवाही भी लूटी है। माधुरी दीक्षित ने सन 1984 में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की अवोध से डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म में उनके अभिनय की सराहना की गई थी, लेकिन अवोध बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने और आठ फिल्मों में काम किया, लेकिन वे भी फ्लॉप रही थी, जिनमें आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण जैसी फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। कई फ्लॉप फिल्मों में काम करने के बाद माधुरी दीक्षित का करियर खतरे में था, लेकिन इसके बावजूद सुभाष घई ने उन्हें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, राखी, डिंपल कपाड़िया और अमरीश पुरी के साथ रामलखन ऑफर की थी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और माधुरी दीक्षित के करियर की दिशा बदल गई। 1990 में माधुरी दीक्षित 9 फिल्मों में नजर आईं। 90 का दशक उनके करियर का सुनहरा दौर था, क्योंकि उन्होंने दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। माधुरी दीक्षित सुपरस्टार बन गई हैं। यही वजह है कि उन्हें फिल्म साजन में संजय दत्त से ज्यादा और फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान खान से ज्यादा फीस दी गई थी। बेमिसाल सफलताओं के बावजूद माधुरी दीक्षित ने प्यार और पारिवारिक जीवन के लिए अपने करियर के चरम पर अभिनय छोड़ दिया। अभिनेत्री ने साल 1999 में लॉस एंजलिस के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन श्रीराम माधव नेने से शादी कर ली थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।